हाँ आज भी मुझे जाना पड़ा, लेकिन हमारी गलती की वजह। हमारे पक्षी होते हैं उनके लिए। बस ये समझ लो तुम्हारी लौलाद हूँ। लौलाद हूँ? एक लिस्ट बनाऊंगी इसके टंग ट्विस्टर की। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। कुहू को मैं स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। जी हाँ, आज भी मुझे जाना पड़ा, लेकिन हमारी गलती की वजह से। आज ऐसा ब्लंडर हुआ कि हम लोग सुबह जल्दी सो के उठ ही नहीं पाए, और उसकी गाड़ी भी जा चुकी थी और हम लोग उठे ही नहीं थे। तो मैंने फटाफट कुहू से कहा कि कुहू तुम रेडी हो जाओ, अननेसेसरी छुट्टी नहीं करते हैं क्योंकि एक दिन तुमको स्कूल से वापस लेकर के आ गए हाफ डे में। देन फिर तुम्हारी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने नेक्स्ट डे भेजा भी नहीं, लेकिन अब तुम्हें स्कूल जाना है क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं स्कूल बंद होने में। तो अननेसेसरी छुट्टी मत करो, जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो लास्ट डेज में समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, होमवर्क्स वगैरह सारी चीज़ें। तो तुम जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी और वहाँ से तुम अपना जो तुम्हारी गाड़ी लगी हुई है उससे छुट्टी में वापस चली आना। तो बोली ओके मम्मा। फटाफट से हम लोग एकदम जल्दी जल्दी सारा काम निपटाए, उसको लेकर के मैं गई, छोड़ के आई। अब इस वीडियो के बाद आप देखिएगा कि कितना हार्ड एंड फास्ट सारी चीज़ें हुई, और साथ में आप टिफ़िन भी देखिएगा। तब तक मैं जाती हूँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, घर के कुछ काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज कुहू के टिफ़िन में सबसे पहले ये जाएगा पेपर। पेपर नहीं खाएगी लेकिन पेपर जाएगा, क्योंकि आज बने हैं आलू के पराठे। तो ये आलू का पराठा रखेंगे यहाँ पे, और ये दो, साथ में ये घर की बनी हुई लाई की नमकीन, ये और साथ में दो पार्ले जी के बिस्किट। कुहू ने साफ साफ मना कर दिया है कि पराठे के साथ ना अचार देना ना सॉस देना, सिर्फ पराठा देना, और आज छोटा टिफिन दे रही हूँ। तो यहाँ नमकीन है, पार्ले जी है, यहाँ आलू के पराठे हैं। सॉस और चटनी या अचार उसने मना कर दिया है, दही दूंगी नहीं, नुकसान करेगा, खट्टा हो जाएगा स्कूल में। तो बस इतना रख रही हूँ, और ये इसको अच्छे से खा सके तो फोक और चम्मच, मतलब नमकीन खाने के लिए फोक रख दे रही हूँ। और एक ये जेम्स का पैकेट, ये भी सोच रही हूँ इस बॉक्स के अंदर रख दूँ बिकॉज पराठे में पिघल ना जाए। जी ये देखिए, तो ये है आज उसका टिफिन, करते हैं पैक। यहाँ हम लोग कर रहे हैं ऑटो का वेट। मैंने ऑटो बुक की है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इसको स्कूल छोड़ना है, टाइम ना हो जाए। ऑटो के फायदे ये रहते हैं कि वो आपको जल्द से जल्द आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। आज हम लोग लेट उठे तो मैं जा रही हूँ छोड़ने इसको। ऑटो आ चुकी है, ऑटो में बैठकर फटाफट से निकल पड़े हैं स्कूल के लिए, इससे पहले कि गेट बंद हो जाए। तुम्हें मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ कुहू, चलो चले। गेट से काफ़ी पहले ही लंबा सा जाम लगा हुआ था, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आकर के गेट पे गाड़ी लगा चुके थे। मैंने कहा कुहू तुम फटाफट से पैदल भागो गेट के अंदर कि गेट ना बंद हो, और मैं वापस छोड़ कर के कुहू को जा रही हूँ घर। अब मेरा दिन स्टार्ट होगा सारे काम काज के साथ। डेली का ये भी एक काम है कि यहाँ पर चिड़िया के लिए पानी रखा जाता है डेली मॉर्निंग में। धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करिए आप लोग भी चिड़िया के लिए, जो हमारे पक्षी होते हैं उनके लिए, पानी और दाना अगर नहीं भी रख पा रहे हैं तो पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में रखिए। तो हम रेडी हैं जाने के लिए, इनकी डांस क्लास में 5-10 मिनट लेट हैं लेकिन जा रहे हैं। ये कैप मैंने खरीदी थी, आपसे कहा था रास्ते में बहुत धूप लगती है क्योंकि दोपहर का टाइम ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट धूप मुंह पे लगती है। बात तो सही है,
तो मैंने ये कैप खरीद लिया, इनको ड्रॉप करूंगी और फिर मैं जाऊंगी मंदिर। तो ये है अभी तक का रूटीन, चलें? धूप बहुत तेज है, देख रहे हैं? आउच, मेरी जूते जल रहे हैं, चप्पल जल रही है। ये इधर कुहू अपना चप्पल पहन रही है। और देखिए ऐसे धूप लगती है एकदम डायरेक्ट, अभी भी आधा ही मुंह कवर हो रहा है, बहुत तेज धूप लगती है यार। ये कूड़ा है जिसे ले जाकर के मैं नीचे फेंकूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। जब मैं घर का गार्बेज लेके नीचे उतरी तो मैंने देखा कूड़ा गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने डस्टबिन की जगह उसी गाड़ी पर वो कूड़ा रख दिया। अब मैं यहाँ कुहू से बोल रही हूँ पानी दो, मुझे हाथ धोना है। चलो जल्दी जल्दी, सूट वाली लड़की सूट पहन लोगी और चलोगी, जल्दी जल्दी चलो। सच बताऊं तो आज कैप होने की वजह से मुझे बहुत राहत थी, क्योंकि जब भी मैं मंदिर वाले एरिया में जाती हूँ ना, मेरे चेहरे पे डायरेक्ट धूप पड़ती है, सामने से धूप आती है, लेकिन कैप की वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा बची हुई थी। वापस आ गई हूँ, कुहू की क्लास तो अभी चल रही है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मेरे हाथ में इतना सारा सामान है, उसके साथ मुझे शूट भी कुछ मैं चाह रही हूँ कि शूट करके रख लूँ। अभी कुछ नहीं तो 15-20 मिनट हैं कुहू को फ्री होने में, तब तक मैं बाहर ही टहलूंगी। और ये देखिए मंदिर में पंडित जी ने मुझे ये प्रसाद दिया जो मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, साथ ही मैंने साइड में ये पानी की बोतल पकड़ी हुई है, एक हाथ में चश्मा है, एक हाथ में फ़ोन है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक स्कूल बैग लेकर के ही बाहर आना चाहिए ताकि ये सारा सामान मैं रख सकूँ। प्रसाद है ना, एक भी दाना छोड़ना नहीं है, पूरा खाओ, पूरा पेपर पर भी चबा जाओ, चबा जाओ पेपर। ऐसे खाती हो कुहू, बताओ। अरे यार तुमने बोला, मुझे क्या कह रही हो? नहीं भाई प्रसाद है तो मैं बोलूंगी कि साइड में कहीं डाल देना, आगे इधर साइड में डाल दो, नाली में मत डालना, नाली के पास ही डाली। बहुत शैतान हो तुम, अंदर तो नहीं डाले ना। तो क्या अब मैं शक्ल कहीं नहीं दिखा देते बच्चे से? दिखा तो रहे हैं और कैसे दिखाए, इतना ठीक तो है। तुम की क्या आज वैसे? न्यू स्टेप्स। चलो कुछ तो नया हुआ तुम्हारी लाइफ में। इतनी धूप में क्यों बैठी हो? धूप देखो इतनी चढ़ी हुई है, तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्यों, क्या हुआ? फिर हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे ना। वैसे मैं तुम्हें आपको बहुत पहचान रही हूँ। नहीं नहीं मतलब जैसे इतनी धूप में अगर बैठोगी तो हम पहचानेंगे कैसे तुमको? समझ लो तुम्हारी लौलाद हूँ। क्या हो? औलाद। पहले तो तुमने लौलाद बोला था। एक लिस्ट बनाऊंगी इसके टंग ट्विस्टर की, मैंने बोली हुई है, औलाद को कह रही है मैं तुम्हारी लौलाद हूँ, इतना याद रखना। फिर बड़े मुश्किल से सही करके औलाद बोली है। तुम क्या हो मेरी? क्या हो? एक बार फिर, वंस मोर। औलाद। फाइनली लौलाद से औलाद तक का सफर आपने अच्छा तय किया, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, शाम को वापस आ गए कुहू को लेकर के। आपने देखा उसका टंग ट्विस्टर। उसके बाद घर की पूजा की, खाना बनाया, सब्जी रोटी बनाई। और अभी कुहू को बोल रही थी मम्मा आज उडल खाने का मन कर रहा है, तो उडल हल्का होता है, सफोला ओट्स का होता है। अच्छा। मैंने उडल बना के उसको दिया, उसने उडल खाया। फिर मैंने अपनी चाय चढ़ाई और मैं अपने लिए बना रही हूँ ये मूंग दाल का चिल्ला। ये देखिए ये अभी पक रहा है, ये ऊपर से हो गया है, अभी नीचे से चिपका हुआ है। तो ये बन रहा है मूंग दाल का चिल्ला और यहाँ पे चाय। तो बस शाम का सारा काम हो चुका है, एक चिल्ला खाऊंगी, चाय पीऊंगी, क्योंकि खाली चाय मुझसे नहीं पी जाती है। पूछा किसी ने? थोड़ा टीवी देखूंगी, कुछ काम निपटाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये बन गया है मेरा मूंग दाल का चिल्ला, चाय भी मैंने छान ली है, अब मैं जा रही हूँ खाने। अच्छा
ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बाय।